गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया, न्यू चैप्टर डेसिमल्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 9A में किए थे थोड़े सम। अब उसमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो उसके लिए आपको पहले ये जो दिया है पूरा वो याद रखना है। यहाँ पे क्या है, 10 टेंस इक्वल 1 आएगा। क्या आएगा, ए टेंस और टे टेंस गए। देखो 10 टेंस इक्वल क्या आएगा, 1। ऐसे ही दूसरा दिया है 100 100 100 100, ये भी कट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 10 10 तो भी 1। 100 100 मतलब क्या होगा, 1। 100 100 इक्वल 1। वैसे ही थाउजेंड इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा, ये याद रखना है। 10 10 इक्वल 1, 100 100 इक्वल 1 एंड थाउजेंड इक्वल 1। अब नीचे देखो दिया है 10,000 इक्वल क्या आएगा, 100, ये याद रखना है। 10,000 इक्वल 100। ऐसे ही 10,100 इक्वल 1/10 क्या आएगा, 1/10 क्या आएगा, 10,100 इक्वल 1/10। तो ये आपको याद रखना है कि 10,000 मतलब कितना आता है, 100, क्या आता है, 100, और 10,100 इक्वल 1/10। देखो यहाँ पे डेसिमल में कुछ प्लेस वैल्यू का चार्ट दिया है। हम जैसे सिंपल नॉर्मल हो तो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो 305 है तो 1s 10s 100, है ना, ऐसे आता है ना, 1s 10s 100 ऐसे जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे कुछ प्लेस वैल्यू चार्ट है वो आपको देखना है, क्योंकि अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स में इसी तरह से आएंगे। देखो इसमें कैसे ये देखो 1s 10s 100, ये हम जैसे नॉर्मल कर रहे ऐसे आता है ना, देखो 1s 10s 100। पर जब डेसिमल बीच में, जब देखो डेसिमल वाला आया बीच में, ये पॉइंट आया, तब उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होता है, 10th 100 1000 एंड 10,000 ऐसे स्टार्ट होता है। कैसे, पॉइंट के बाद जो होता है ना, देखो 10th 100 1000 एंड 10,000। यहाँ पे देख लो, अब देखो ये 782 है, पॉइंट के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, 10th 100 1000 एंड 10,000, है ना। और अब जब इसमें हम जो सिंपल जो प्लेस वैल्यू में करते हैं, कैसे 1s 10s 100 करते हैं ना, तो इसमें कैसे यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कहाँ से, यहाँ से 10th 100 1000 एंड 10,000। आया समझ में, पॉइंट के पहले वाले में कैसे जो हम सिंपल प्लेस वैल्यू में कर रहे हैं वैसे, और पॉइंट के बाद जो ये हो उसमें कैसे जाना है आपको, इसी तरह से जाना है, ये प्लेस वैल्यू के चार्ट की तरह, 10th 100s एंड 1000 एंड 10,000 की तरह। तो ये वाला प्लेस जो चार्ट है प्लेस वैल्यू वाला, वो आपको देखना है कैसे है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 9A में क्वेश्चन 4 करेंगे, 3 कर लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ही दिया हुआ है 10,100 इक्वल क्या आया था, 1/10 था। आगे आप देखोगे मैंने जो करवाया उसमें 10,100 इक्वल कितना आएगा, 1/10, क्या आएगा, 1/10 आएगा, क्या है, 10,100 इक्वल 1/10। अब देखो सेकेंड देखेंगे बी वाला, ब्लैंक्स 1000 इक्वल 100, तो आगे दिया था 10,000, तब 100 होता था ना, तो 10,000 इक्वल 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे देखेंगे सी वाला, तो यहाँ पे 10/10 मतलब 1 था ना, आगे देखोगे मैंने चार्ट दिखाया था उसमें, 10/10 इक्वल्स क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 1s कैसे आया, तो जैसे मैं पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो 2.5 लिखा, तो इसी से स्टार्ट करेंगे तो 10th लिखते हैं ना, जो ये डेसिमल वाले चार्ट की तरह हम सिंपल में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1s लिखेंगे ना, तो देखो 10/10 इक्वल क्या हो गया, उसके सामने ये 1। ऐसे 10/10s 1000 इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे thousands क्या आएगा, यहाँ पे thousands आएगा। तो ऐसे नीचे हमें देखो, अब प्लेस वैल्यू वाला मैंने आपको दिखाया ना चार्ट, इसमें कैसे था, तो देखो 7500 थे, तो देखो यहाँ पे 10th 100s लिखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट के बाद वाला है ना, तो 100 से, तो 10th यहाँ से स्टार्ट होगा, 10s एंड 100s, तो यहाँ पे आएगा 10th में क्या लिखा हमने, 7, तो यहाँ पे आएगा 7, और 100 के ऊपर क्या लिखा, 5 के ऊपर लिखा ना, तो यहाँ पे आएगा 5, तो 7 10s एंड 5 100s।
अब नेक्स्ट देखेंगे, 42,000 लिखा हुआ है, 42,000 मतलब ये टेंथ और ये हंड्रेड होगा, है ना, ये टेंथ और ये हंड्रेड हुआ होगा, तो हमें हंड्रेड पूछा है, सॉरी यहाँ पे हंड्रेड होगा, है ना, थाउजेंड वाला, इसीलिए तो हंड्रेड कौन सा होगा, ये वाला, तो हंड्रेड में फोर एंड थाउजेंड में क्या आएगा, टू, ऐसे ये पूरा दिया है, तो टेंथ फाइव, हंड्रेड में कितना आएगा थ्री, और ये थाउजेंड में क्या आएगा सेवन, तो क्या आएगा ये देखो, है ना, थाउजेंड्स दिया है, तो पहले थाउजेंड्स दिया है मतलब ये डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू वाला चार्ट याद रखना है, तो उसमें कैसे स्टार्ट होता है, टेंथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, तो ये टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड। नेक्स्ट देखेंगे फाइव नंबर, अब यहाँ पे आपको देखना है, देखो टॉइंट यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सेवेंटी एट दिया है, तो मैंने आगे सिखाया था जो पॉइंट के पहले होगा वो हम वंस ऐसे लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे वंस दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा टू आएगा। अब टेंथ और हंड्रेड दिया है, टेंथ तो हम जब प्लेस डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंथ एंड ये हंड्रेड, तो टेंथ में क्या आएगा सेवन और हंड्रेड में क्या आएगा एट आएगा, आए समझ में। अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट के पहले क्या दिया है थर्टी एट, तो ये क्या होगा वंस एंड ये आएगा टेंस, है ना, जो हम सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट में करते हैं तो वंस टेंस ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, तो देखो टेंस में क्या आएगा थ्री आएगा, वंस में एट। अब कहाँ से पॉइंट के बाद वाला पूछा है, तो पॉइंट के यहाँ से स्टार्ट करना है, टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड, टेंस टेंस में क्या लिखा हमने जीरो, अब हंड्रेड हंड्रेड लिखा एच, उसके नीचे क्या है सिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्स, अब थाउजेंड है तो थाउजेंड में क्या आएगा यहाँ पे फाइव, आए समझ में। पॉइंट के पहले आपको कौन से वाले प्लेस वैल्यू की तरह जाना है जो सिंपल, और पॉइंट्स के बाद आपको जो डेसिमल वाला मैंने आगे जो चार्ट दिखाया प्लेस वाले उसमें यहाँ से पॉइंट के बाद टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड से स्टार्ट करना, ऐसे यहाँ पे देखो नाइन हंड्रेड नाइन ट्वेंटी वन पॉइंट जैसे दिया है, तो देखो नाइन हंड्रेड दिया है, तो आपको ऐसे नहीं आ रहा वंस टेंस और हंड्रेड हमने लिख दिया। अब पॉइंट के बाद वाले में कहाँ से जाना है, टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऐसे जाना है, समझ में। पॉइंट के बाद टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड, देखो पहले नाइन हंड्रेड दिया है, तो ये टू के ऊपर हमने क्या लिखा है टी मतलब टेंस आएगा, और वंस वन के ऊपर ओ मतलब वंस आएगा, तो ये हमें कौन सा है पॉइंट के पहले सिंपल से। अब यहाँ से देखना है फाइव्स में क्या आएगा, टेंथ आएगा टी लिखा है, तो टी ई एन टी एच, अब जीरो के ऊपर क्या लिखा एच मतलब हंड्रेड, तो जीरो का है तो ये हंड्रेड आएगा यहाँ पे, एच यू एन डी आर ई डी एच टी एस हंड्रेड। अब सिक्स के ऊपर क्या लिखा मैंने टी, टी मतलब थाउजेंड्स, तो टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच एस एस थाउजेंड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा थाउजेंड्स, आपको ऐसे ये करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे राइट ईच ऑफ दिस अ डेसिमल फ्रैक्शन, अब आपको इसमें दिया है ये प्लेस वैल्यू में दिया है, तो हमें किस में लिखना है इसका, राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, किस में डेसिमल में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है फाइव टेंस एंड सेवन वंस, मतलब ये दोनों किसके हैं, फाइव टेंस वंस, टेंस किस में आता है सिंपल वाले में, तो क्या आएगा ये फिफ्टी सेवन आएगा पहले, फाइव टेंस एंड सेवन वंस, तो ये फिफ्टी सेवन हो गया। अब नेक्स्ट टू टेंथ एंड हंड्रेड, मतलब ये क्या होगा पॉइंट आएगा इसके बाद, आया समझ में, ये टेंस और वंस दिया है, उसके बाद देखो ये अलग है, टू टेंस एंड सिक्स हंड्रेड दिया है, तो उसके बाद क्या आएगा, तो पॉइंट लगा, अब ये दोनों साथ में आएंगे, तो टू सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स, हमें किस में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है सिक्स वंस, अब फाइव टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब कौन सा है डेसिमल वाला है ना, तो सिर्फ यहाँ पे सिक्स वंस दिया है, तो पहले यहाँ पे सिक्स करेंगे, उसके बाद आपको क्या लगा देना है पॉइंट, क्योंकि यहाँ से टेंथ वाला चालू हो गया है ना, तो फाइव जीरो फाइव, तो यहाँ पे आएगा फाइव जीरो फाइव, है ना, फाइव टेंस जीरो हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड्स, तो यहाँ पे आएगा सिक्स पॉइंट फाइव हंड्रेड फाइव। अब पॉइंट कैसे आएगा, वो कब आएगा कैसे याद रखना है, ये वंस टेंस हंड्रेड वाला वो पहले आपको लिख देना है, ये खत्म हो जाए उसके बाद क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा, है ना,
उसके बाद जो टेंथ हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स वाला स्टार्ट हुआ वो कब आता है, पॉइंट्स के बाद आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो 800, 9 टेंस एंड 5 वंस, तो देखो यहाँ तक तीनों है, देखो हंड्रेड्स, टेंस और वंस, जो हम सिंपल में लिखते ऐसे ही है। तो पहले 895, तो 895 लिख दिया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो टेंथ, जीरो टेंथ, जीरो हंड्रेड एंड टू थाउजेंड्स दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये वंस तक आ गया, उसके बाद क्या आएगा यहाँ, पॉइंट। अब देखो ये टेंथ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाला स्टार्ट हो गया है ना, तो पॉइंट जब ऐसे आपको पूछे कि डेसिमल फ्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो पहले ये स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हमें यहाँ पे, हंड्रेड, टेंस और वंस, ये किस में आता है, जो हम सिंपल वाला कर रहे हैं ना उसमें। अब जो पॉइंट के बाद वाले में क्या आता है, टेंथ हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ये भी याद रखना है सिंपली। जो हम पॉइंट के पहले वाले में क्या आएगा, वंस, टेंस और हंड्रेड, और पॉइंट के बाद वाले में क्या आएगा, टेंथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स वाला। तो अब देखो यहाँ पे वंस तक था तो 895, अब पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पे, पॉइंट आया। अब क्या दिया है, जीरो टेंथ, जीरो हंड्रेड एंड टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो टू, क्या आएगा यहाँ पे, अब जीरो जीरो टू। आया समझ में कैसे करना है इसमें, है ना, कि ये है यहाँ पे फाइव, ये हम जो वंस, टेंस, हंड्रेड जो सिंपल लिख रहे हैं ना प्लेस वैल्यू, उसी की तरह पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ होगा, टेंथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स वाला। ठीक है, तो आज मैंने जो फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई वो किसके अंदर, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक दोनों में लिखनी है, ठीक है, आगे सी डब्ल्यू में। थैंक यू।